जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज आप सीखेंगे फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिक भागों का अगला पार्ट। तो हमारे जो पहले पार्ट हैं, यानी कि हमारा जो पहला पार्ट है उसमें कंप्रेसर की चेकिंग, और दूसरे पार्ट के ए बी सी पार्ट बन चुके हैं जिसमें ओपन टाइप रिले, बॉक्स टाइप रिले और LMS टाइप रिले को कवर किया गया है। इसके बाद हमारा आता है PTC रिले। तो इस वीडियो में हम PTC रिले को कवर करेंगे। तो PTC रिले का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। PTC रिले का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले, यानी कि धनात्मक तापमान गुणांक रिले। रिले के बारे में जान लेते हैं। तो ये रिले कितने कितने पिनों में आते हैं? तो ये रिले इस बोर्ड पर बनाया गया, जो एक पिन वाला रिले, दो पिन वाला रिले, तीन पिन वाला रिले और चार पिन वाला रिले होता है। यानी कि ये जो रिले आते हैं एक पिन में, दो पिन में, तीन पिन में, चार पिन में आते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा पड़ता है हमारा मल्टीमीटर, क्योंकि इसको हम सीरीज से अगर चेक करेंगे तो इसका पता नहीं चल पाता है कि कौन सा रिले सही है, कौन सा खराब है। क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों पिन बने होते हैं यहाँ पे, रनिंग और स्टार्टिंग जो कवर करता है, जब हम इसको कंप्रेसर में लगाते हैं तो एक रनिंग को और एक स्टार्टिंग को कवर कर लेता है। सभी में ये दोनों पिनें बनी होती हैं, सभी रिले में ये दोनों पिनें बनी होती हैं। चारों रिले में जो एक पिन वाला, दो पिन वाला, तीन पिन वाला या चार पिन वाला है, सभी में बनी होती हैं। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर सीरीज बल्ब का एक तार हम इस पर रखते हैं और दूसरे तार से अगर हम इन दोनों पिनों को चेक करते हैं तो इस पर तो डायरेक्ट बताता ही है, लेकिन इस पर भी फुल तरीके से जलने लगता है, यानी कि हम विजिबल नहीं कर पाते हैं, बल्ब को जान नहीं पाते हैं कि इसके बीच में और इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा इसकी चेकिंग करते हैं। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मल्टीमीटर के एक तार को पहले रिले के हम एक पॉइंट पर रखेंगे, मल्टीमीटर के एक तार को पहले रिले के पहली पिन पर रखेंगे। अब दूसरे तार से हम इसके बने अंदर दोनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे, अंदर बने दोनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे जो रनिंग और स्टार्टिंग को कवर करती है। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ये वाली पिन होगी इस पर तो हमारा मल्टीमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, जीरो या एक कर सकता है, यानी कि बहुत कम रीडिंग शो करेगा, यानी कि ये दोनों आपस में डायरेक्ट हैं, इस वजह से ये बहुत कम रीडिंग शो करेगा। अगर हम इस पिन पर चेक करते हैं, एक तार हम इस पे रखे और दूसरे तार को हम अगर इस पे रखते हैं इस पिन पे, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस के साथ रीडिंग बताना चाहिए। अगर हमारा मल्टीमीटर कुछ रेजिस्टेंस के साथ अगर रीडिंग बता रहा है तो हमारा ये रिले सही माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा। इसको उल्टा और सीधा करने से एक ही मतलब होता है, यानी कि उल्टा करेंगे तब भी उतना ही बताएगा और सीधा करेंगे तब भी उतना ही बताएगा। इसमें प्लंजर नाम की पत्ती जो होती है ये बजती नहीं है, ये सिर्फ कुछ रेजिस्टेंस के साथ रनिंग से स्टार्टिंग पर शॉर्ट मार के कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट कर देती है। इसलिए हम एक तार हम इसके पिन पर रखेंगे और दूसरे तार से इन दोनों पॉइंटों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस कंडीशन में इस पॉइंट पे तो जीरो रीडिंग बताएगा, यानी कि जीरो रेजिस्टेंस बताएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसके और इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस के साथ अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तो हमारा रिले 100% सही माना जाएगा। यानी कि इस पहले रिले को हम इस प्रकार से चेक करते हैं, उसी प्रकार से हम दूसरे रिले को भी चेक करते हैं। मल्टीमीटर के एक तार को हम किसी एक पॉइंट पर रखें, जैसे मान लीजिए मल्टीमीटर के एक तार को हम इस पिन पर रखें, मल्टीमीटर के एक तार को हम इस पिन पर रखें और मल्टीमीटर के दूसरे तार को हम दूसरी पिन पर रखेंगे, ये आपस में डायरेक्ट होते हैं, यानी कि एक साइड के जो दोनों पिनें होती हैं ये आपस में डायरेक्ट होती हैं। इस वजह से कंटिन्यूटी यहाँ पे क्या करेगा, बताएगा, लेकिन जीरो रीडिंग बताएगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बताएगा। अगर हम इसी तार को यहाँ पे न रख के हम आगे लेके जाते हैं, इसके दोनों पिनों पर रखते हैं, यानी कि पहली पिन जो रनिंग पे टच होती है और दूसरी पिन जो स्टार्टिंग पे टच होती है, जो कंप्रेसर मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग पर लगती है और शॉर्ट मारकर स्टार्ट करने का काम करती है, उन दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। एक पॉइंट हम इस पिन पर रखेंगे और दूसरा तार लेके जाके इन दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस कंडीशन पे क्या होगा, इस पे जो होगा रीडिंग जीरो बताएगा। क्यों रीडिंग जीरो बताएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इससे डायरेक्ट होता है, इस वजह से इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा। और इसके बाद हम जब इस पिन पर चेक करते हैं तो कुछ रेजिस्टेंस के साथ शो करना चाहिए, क्योंकि ये रनिंग से स्टार्टिंग के बीच में शॉर्ट मारने के लिए कुछ रेजिस्टेंस का ये प्रयोग किया जाता है इसमें, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, ये रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारता है और इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो कुछ रेजिस्टेंस के साथ अगर हमारा मल्टीमीटर डिजिट शो कर रहा है तो हम इस रिले को 100% सही मान लेंगे, यानी कि ये हमारा 100% रिले सही है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले रिले PTC रिले ही होता है। मल्टीमीटर के एक तार को मान लीजिए हम इस पर रख लिए और दूसरे तार से इन दोनों पिनों को बारी बारी चेक करते हैं, एक बार इसको चेक करेंगे, एक बार इसको चेक करेंगे। तो ये हमने बताया कि ये आपस में डायरेक्ट होते हैं,
ये चौथे वाले रिले में भी आपस में दोनों पॉइंट एक तरफ के डायरेक्ट होते हैं, और ये जो होता है इसके और इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस के साथ अगर रीडिंग शो करता है तो हमारा रिले सही माना जाएगा। तो मल्टीमीटर के एक तार को हम इस पॉइंट पर रख दिए, तो ये इस पॉइंट पर दोनों पर किसी भी रख के चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट ही होते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पर रख दिए और दूसरे तार से इन दोनों पिनों को बारी बारी चेक करते हैं, जो कंप्रेसर मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर लगाई जाती है, इसको हम बारी बारी से चेक करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस पे तो जीरो रीडिंग शो करना चाहिए, और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस होने की वजह से इस पिन पर कुछ रेजिस्टेंस के साथ रीडिंग अगर शो कर रहा है तो हमारा रिले सही माना जाएगा, यानी कि ये भी रिले हमारा 100% सही माना जाएगा। उसी प्रकार से हम करते हैं चौथे रिले की चेकिंग। तो मल्टीमीटर के एक तार को हम किसी एक पॉइंट पर रखेंगे, और दूसरे तार से हम इसकी दोनों पिनों को बारी बारी चेक करते हैं, जो कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग पिन पर लगाई जाती है। इन दोनों पिनों को बारी बारी चेक करते हैं, इन दोनों पिनों को चेक करने पर क्या होगा, इस पे तो रीडिंग जीरो शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इससे डायरेक्ट होता है, और इस पे कुछ रेजिस्टेंस के साथ रीडिंग शो करना चाहिए। इस वाली पिन पे अगर कुछ रीडिंग रेजिस्टेंस के साथ शो कर रहा है तो हमारा रिले जो होता है हमारा 100% सही माना जाता है। तो इस प्रकार से करते हैं हम पीटीसी रिले की चेकिंग। तो पीटीसी रिले की चेकिंग से संबंधित कोई सवाल या सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।